आप थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड दे दें अहमद पनसोटा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि ये क्या था केस और क्यों किया गया था उस वक्त। मैं जी एक दिन बेसिक केस में अपने ऑफिस में बैठा था, तो एक एडवोकेट है, बड़ी कॉम्पिटेंट एडवोकेट है, ईमान बंदयाल साहिबा, उन्होंने एक डॉन में आर्टिकल लिखा था द राइट टू फूड के नाम से, और ये गालिबन 2018 नवंबर में पब्लिश हुआ था। उस आर्टिकल को पढ़ा, उसमें हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहाँ रैंक करता है, कितना पाकिस्तान में कुक फूड जाया होता है और खाना जाया होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई कानून साजी आज की डेट तक है, उस डेट तक नहीं थी, जो कि डील कर सकती कि कानून ये जो खाना है जाया हो। वैसे भी एक सब्जेक्ट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि हम शादियों पर जाते हैं, मुख्तलिफ घरों में जाते हैं, खाने को पका के उसका ज़ाया किया जाता है। सो दिस आर्टिकल वॉज माई इंस्पिरेशन। मैंने उनसे रब्ता किया, शी कंसेंटेड कि मुझे वो हेल्प करेंगी, हम दोनों ने मिलकर एक पिटिशन ड्राफ्ट की और उस पिटिशन को हमने फाइल किया, तो हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद साहब की कोर्ट में लगी, और उसके अंदर बेसिकली फिर हमें और लोगों ने शामिल हुए जिसमें हफ्सा थी और एक दो और लोग थे, उन सब ने यही डिमांड किया कि जी लेजिस्लेशन करवाई जाए। लिहाजा उस केस के दौरानिए में गवर्नमेंट की कमेटी बनाई गई, कमेटी ने लेजिस्लेशन जो है उसको फाइनलाइज किया, और फिर पंजाब फूड अथॉरिटी जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर डिस्पोजल ऑफ एक्सेस फूड रेगुलेशंस को बनाया गया, जिसके तहत अब अगर आप खाना जाया करें, रेस्टोरेंट्स भी कई जगहों पर खाना जाया करें, इंस्टेड उनको ये कहा गया कि वो डोनेट करें, और कानून के तहत एक पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, आप खाना जाया नहीं हो सकता। इस इशू को फिर उठाया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने और उन्होंने अपने कोर्स करिकुलम में डाल दिया कि इतनी खूबसूरत जजमेंट पाकिस्तान में किसी सब्जेक्ट पर दी गई है, और फिर इस जजमेंट के अंदर और बड़ी तफसीली बातें की गई। तो उस सिलसिले में फिर हमें वहां बुलाया था कि एक पैनल टॉक उसमें अरेंज की जाए और उसमें पूछा जाए कि ये किस तरह पाकिस्तान में पॉसिबल हुआ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, और ये सारे मामला इसमें क्या थे जिस तरह इसको इवेंचुअली फिर एक जजमेंट की शक्ल मिली। ग्रेट। अच्छा ये बताएं कि अब ये जो कानून है ये कहता क्या है कि अगर कोई खाना जाया करेगा तो क्या होगा? देखें, जो पंजाब फूड अथॉरिटी है एक्ट उसका 2011 का है, 11 के एक्ट के नीचे रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस होते हैं, ये रेगुलेशंस का हिस्सा है, और रेगुलेशन जो है वो ये कहती है कि अगर फूड जाया होगा तो वो तमाम पेनल्टीज जो कि फूड अथॉरिटी एक्ट प्रिस्क्राइब करता है 2011 का, जिसमें सीलिंग भी है, जिसमें अगर खुदा न खास्ता किसी का जो जो खाना है उस वो लेट से इस केस में वो शायद अप्लाई ना करे, कोई खा के मर जाता है या खुदा ना खास उसका किसी सिचुएशन में, तो कैद भी है, तो वो सारी की सारी पेनल्टीज जो एप्लीकेबल हैं। और मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि जब हम इस जजमेंट को ड्राफ्ट कर रहे थे तो जो हमारी बुनियादी इंस्पिरेशन थी वो कुरान पाक की आयात भी थी 3-4 जिनसे हमने ये अखज किया कि आप फूड जाया नहीं कर सकते, यू मस्ट गिव इट टू नीडी, उस खाने को जाया मत कीजिए, उसका एक प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। फिर हमारी इंटरनेशनल बाइंडिंग्स भी थी जिसके तहत हम इंटरनेशनल लॉ में ऑब्लिगेटेड हैं टू कंप्लाई विद रेगुलेशंस, जिससे फूड सिक्योरिटी, राइट टू फूड और ये तमाम चीजें सामने आए। फिर हमारे आईन का आर्टिकल 38 है डी, जो ये कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फूड क्लोथिंग सब कुछ प्रोवाइड करे, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये चीज शामिल है कि जब आप फूड प्रोवाइड करेंगे तो फूड की एक्सेस वेस्टेज जो है उसको कंट्रोल भी करेंगे। पूरी दुनिया में जो फूड वेस्टेज है इज ऑन द रैम्पेंट, अमेरिका में बहुत सारा फूड जाया होता है, बल्कि एक 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 अदाद शुमार के मुताबिक तो ये कहा जाता है कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को फीड किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे मामला, क्योंकि जब अगली लड़ाई है वो पानी और खाने पर है, बिकॉज फूड आइटम्स दुनिया में एक्सटिंक्ट हो रही हैं। सो दिस क्वालिटी ऑफ फूड जस्टिस, राइट टू फूड, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, और पाकिस्तान माशाल्लाह वंस अगेन जस्टिस जवाद हसन साहब की भी तारीफ यहाँ बहुत ज्यादा बनती है कि उन्होंने इस चीज को उठाया और जजमेंट दी, जिसको आज नॉट ओनली हार्वर्ड बट दुनिया की बेशतर यूनिवर्सिटीज फॉलो कर रही हैं। उस जजमेंट को पढ़ा जा रहा है, उसके ऊपर तहकीक की जा रही है कि ये जजमेंट जो है किस तरह दी गई, और हम इतने बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में अभी तक ये जजमेंट नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में अल्लाह ताला ने हमें सबको इज्जत दी, एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज समथिंग पॉजिटिव। नहीं मिलता यूएस में या यूके वगैरह में, कवानीन एग्जिस्ट करती हैं जी, जिस तरह फ्रांस में है कि अगर आप सुपरमार्केट का खाना जो है वो जाया करते हैं तो वहां पर आपको पेनल्टी है, फिलीपींस में लॉ है, इंग्लैंड में एक कानून साजी इन प्रोसेस है, फिर और दुनिया के बेशतर ममालिक में कवानीन एग्जिस्ट करते हैं। बट इस तफसील से एक जजमेंट जिसने पूरे इंटरनेशनल लॉ को, पाकिस्तानी लॉ को, इस्लामिक लॉ को, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा आइन ये कहता है कि हर कानून जो है इस्लाम की बेसिक स्पिरिट के मुनाफी नहीं हो सकता, तो उसको इंटरप्रेट जो है वो पाकिस्तान में इस जजमेंट ने किया और फिर दुनिया में इसको पजीराई मिली। और मेरी दुआ है कि दुनिया के बाकी ममालिक भी इसको देखें, इससे रेप्लिकेट करें, और हम एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कोलैबोरेटिव काम करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में ये फूड वेस्टेज जो है इसको रोका जाए और इनको उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो इसके असल हकदार हैं, जो कि आपके मसाकीन हैं, गुरबा हैं, या वो लोग हैं जो कि खाना नहीं खा सकते। और यही ताकीद कुरान पाक में भी है, यही आइन में भी है, और दुनिया के बेशतर मजाहिब में भी यही ताकीद है और कवानीन में भी यही ताकीद। अच्छा, अब ये वाला कानून जो हमारा है ये क्या सिर्फ पंजाब की हद तक है, क्योंकि आप बात हुई थी कि लाहौर हाईकोर्ट का मामला है, या ये कानून पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है?
आइडियली तो जी चूंकि अब फूड जो मिनिस्ट्री है वो एक फेडरल लेवल पर भी है और प्रोविंशियल लेवल पर भी है 18वीं तरमीम के बाद, बट जो कंसर्न फूड मिनिस्ट्री और हाईकोर्ट की जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन पंजाब की हद तक है, तो पंजाब ने ही इसको अडॉप्ट किया। सिंध में एक पिटीशन फाइल हो गई है इसी को देखा देखी, एक इस्लामाबाद में फाइल हो रही है, बैरिस्टर अनीक खटाना साहब है वो फाइल कर रहे हैं, सिंध में बैरिस्टर इमान हया जाहिद है वो फाइल कर रही है, तो ये पूरे पाकिस्तान में ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ये कानून इंशाल्लाह एक इसको इसकी सेम्बलेंस होगी तमाम एज इन प्रोविंसेस में। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फेडरल लेवल पर जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एग्जिस्ट करती है जो कि नेशनल फूड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है जिसका ये एक बुनियादी जुज है वो भी इंप्लीमेंट पाकिस्तान लेवल पर करे ताकि एटलीस्ट पाकिस्तान प्राउडली कह सके कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें फूड वेस्टेज के ऊपर लॉ ऐसा है जो कि पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब कुछ चीजों की तो इम्प्लीमेंटेशन दो तरीकों से होती है, एक इम्प्लीमेंटेशन होती है जब आपको खुद रियलाइजेशन होती है कि ये चीज भाई हम गलत कर रहे हैं और आइंदा से, मैंने मिसाल के तौर पे कोई रेस्टोरेंट खोला या मेरा कोई ऐसा कोई फंक्शन है, बिल्कुल, तो मैं खुद किसी को कह दूं, लोगों को कह दूं कि आज जो खाना बचेगा वो हमने जाया नहीं करना, फेंकना नहीं है, हमने उनको प्रॉपरली पैक करके नीडी को दे देना है, तो एक रियलाइजेशन फैक्टर है और एक है वो डंडा, तो अब जिसकी वजह से आप कोर्ट में गए और इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई और वो फैसला आया, अब ये डंडा किस हद तक जो है वो कारामत साबित होगा और किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बाय फोर्स या बाय लॉ कराई जाएगी रियलाइजेशन को अगर हम साइड पे रख दें तो? इसमें जी दो चीजें हैं, एक तो अब चूंकि कानून है, कानून बन चुका है, इसमें पंजाब फूड अथॉरिटी का रोल बड़ा मुनासिब रहा है और पिछली गवर्नमेंट में भी, इस गवर्नमेंट भी, हमारे जो इनिशियली जिस लॉ में बनाने में थे डॉक्टर उस्मान साहब थे उस वक्त डीजी थे, उन्होंने बड़ी हमारी इमदाद की, इस वक्त डीजी आसिम फारूक साहब हैं, उनको बल्कि हमने मौका भी दिया गया वहां पर हार्वर्ड में कि वो बोले, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर करके बताया कि किस तरह इसको कर्व किया जा रहा है, सो गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है। दूसरा मैकेनिज्म जजमेंट के अंदर बिल्ट इन है जिसको हम प्रोसेस कहते हैं कंटिन्यूइंग मैंडमस का, यानी कि अदालत अपना इख्तियार रखती है कि अगर वो चाहे कि कानून या जजमेंट इन्फोर्स नहीं हो रही तो वो उसको रेगुलेट कर सकती है, इट कैन पास ऑर्डर्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दैट जजमेंट इफेक्टिवली एट अ लेटर स्टेज। सो ये दोनों मैकेनिज्म मौजूद हैं, बट अल्लाह का शुक्र ये है कि इस जजमेंट को डंडे से ज्यादा रियलाइजेशन जो सेल्फ रियलाइजेशन है, बल्कि यहाँ पर एक और चीज का भी मैं ऐड करूंगा, मुझे मिनिस्टर एजुकेशन पंजाब राणा सिकंदर साहब उनकी तारीफ बनती है, ही रीच्ड आउट टू मी बिकॉज एक और जजमेंट है उसमें ये राइट कहा गया है कि स्कूल लेवल पर आप बच्चों को फ्री मील दें और न्यूट्रिशियस मील दें, वो भी इसी जजमेंट में से राइट इंक्लूड किया, सो वो इसको इन्फोर्स कर रहे हैं अपने जून के बजट में, सो उनकी तारीफ बनती है, ही हिमसेल्फ रीच्ड आउट टू मी एंड आई थिंक दिस इज समथिंग कमेंडेबल कि इस लेवल पर सोच एग्जिस्ट करती है कि आपने जो फूड रिलेटेड लॉज हैं उनकी वेस्टेज भी और उनकी प्रोविजन जो है उसकी आपने कंजर्वेशन भी जो है उसको आपने इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो ये इन द लॉन्गर रन बड़ा नुकसानदेह होगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आप देखिए रियलाइजेशन की जब बात आती है ना तो रियलाइजेशन शुरू होती है घर से या स्कूल से, क्योंकि बच्चा जाता है स्कूल, अगर आप उसको वहां पर मील दे रहे हैं तो आपने उसको ये भी सिखाना है कि बेटा ये खाना जाया नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर मैं जो चीज देखता हूँ वो ये कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनकी तरबियत अगर स्कूल में ही दे दी जाए तो आगे जाकर मामला इतना खराब ना हो, मतलब सिग्नल की वायलेशन या ट्रैफिक रूल्स या बहुत सारी ऐसी सिविक इश्यूज हमारे हैं जो कि हमारे स्कूल्स उनके ऊपर तवज्जो देते नहीं है, उनका सिर्फ मामला ये होता है कि बस सब्जेक्ट पढ़ाओ, नंबर बनाओ और आगे एडमिशन ले लो, ये होता है। तो ये रियलाइजेशन वाला मामला कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या इस रियलाइजेशन वाले मामले को भी कानूनी तौर पर हमें इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा? ये आपने जी मेरी बिल्कुल एक दिल के बड़े करीब बात है जो की है। मैं तो समझता हूँ कि हमारी जो बुनियादी निसाब है उसमें क्लास 1 से 10 तक हमें बुनियादी हकूक पढ़ाने चाहिए, ये सिविक ड्यूटीज जो कि पहले होती थी पढ़ानी चाहिए, बताना चाहिए खाने की वेस्टेज के ऊपर, आदाब, लोगों से बात करना, ये वो सब। अब वो एक मार्क ट्वेन का कोट है कि आई हैव नेवर लेट माई स्कूलिंग इंटरफेयर विद माई एजुकेशन, तालीम तो बहुत है, तरबियत क्या एक बहुत फुकदान है, और ये चीजें स्कूल लेवल पर आप सीखते हैं, घरों से सीखते हैं, पेरेंटिंग में भी इसका एक बहुत फुकदान है कि बच्चे को डांटा जाए। अगर आपको याद हो बचपन में हमें बताया जाता था घर से, बल्कि खाना खिला के ले जाया जाता था कि अगले के घर जाके खाना अटैक नहीं करना, ये खाना जाया नहीं करना, या प्लेट में उतना डाल लें जितना आपका, वो एक बड़ा खौफ होता था माँ बाप का इस चीज का कि यार ज्यादा खाना डाल के वेस्ट ना कर दे। लेकिन अब इस चीज की आहिस्ता आहिस्ता लीगल साइड पर तो जरूर रियलाइजेशन आ रही है, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड रेस्टोरेंट्स में अगर बच्चा आपका खाना छोड़ रहा है तो उसको वहां फौरन वालदेन भी कहें, वेटर को भी पॉइंट आउट करना चाहिए, वहां जो भी खड़ा हो कि भाई ये खाना आपको खत्म करना है, यू कांट जस्ट वेस्ट इट और किसी और के लिए नहीं आप छोड़ सकते या इसको जाया नहीं कर सकते। तो ये आपकी बात दुरुस्त है, स्कूल लेवल पर, पेरेंटिंग लेवल पर दिस हैज टू बी इंडॉक्ट्रिनेटेड, वरना फिर इवेंचुअली नुकसान ये होता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि शादियों पे वो प्लेट इतनी भर लेते हैं कि उस प्लेट के ऊपर एक मकान बन सकता है, लेकिन देन दे लीव मेजॉरिटी ऑफ दैट फूड। वो ऐसे ले रहे हैं शादियों में खाना जैसे पहली मर्तबा ले रहे हैं या आखिरी मर्तबा ले रहे हैं?
हाँ जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उनको कोई कहने वाला नहीं होता। हाँ। ये गोरों में रिवाज है कि आप उनके सामने खाना इस तरह छोड़ें तो दे टेल यू कि भाई इसको खत्म करो या इसको आपने कहीं पर वेस्ट नहीं कर सकते, बट हमारे यहाँ उनको कोई रोकने वाला। और आई थिंक एक पीयर प्रेशर भी होना चाहिए, एक दूसरे को कहना चाहिए कि भाई तुम इस खाने को अब जाया नहीं कर सकते, या अगर डाला है तो पूरा खाओ या फिर उतना डालो जितना तुम खा सकते हो। लेकिन ये चीज अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी हमारे साथ मौजूद।